शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन योजना को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मोटे अनाज की यह विशेषता होती है कि इसके सेवन से हृदय रोग, डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं होती हैं और ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसकी खेती से किसानों को भी भरपूर लाभ होगा। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिलने को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने 2023-24 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। अब 23-24 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने कैबिनेट की बैठक में मिलेट अनाज को लेकर एक प्रस्ताव रखा था, जिसको शुरू करने का निर्णय शिवराज सरकार ने लिया है। मिलेट अनाज, जिसे मोटा अनाज भी कहा जाता है, जिसमें कोदो, कुटकी, सांबा, ज्वार, बाजरा शामिल है, इसे हम दुनिया में निर्यात कर सकते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से कोरोना के बाद पूरी दुनिया में पोषक तत्व जिन अनाजों में होता है उसकी मांग बढ़ी है। लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं और इसलिए भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मिलेट अनाज, जो मोटा अनाज है, जैसे कोदो, कुटकी, रागी, सावा, ज्वार, बाजरा, ये हम दुनिया में निर्यात कर सकते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023-24 को मिलेट वर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष मनाया जाए वो प्रस्ताव रखा। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि मोटे अनाज की ये विशेषता होती है कि इसके सेवन से हृदय रोग, डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं होती। आदिवासी जिलों में किसान मोटे अनाज की फसल लेते हैं। अब हम ये आशा करेंगे कि पूरे प्रदेश में किसान मोटे अनाज की फसल लें। मिलेट मिशन योजना के तहत किसानों के बीच मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने एवं मिलेट फसलों से तैयार व्यंजनों का प्रचार प्रसार करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके साथ ही सरकारी कार्यक्रमों और मध्यान्ह भोजन में बच्चों को मोटे अनाज का भोजन देने का फैसला भी किया गया है। पोषक तत्व इसमें अधिक होते हैं, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, इन मोटे अनाज में होने से हृदय रोग नहीं होता है, डायबिटीज नहीं होती है और लोग भी कोरोना के बाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं और इसलिए मध्य प्रदेश के लिए भी अवसर है, क्योंकि हमारे आदिवासी जिलों में ये मोटे अनाज की फसलें हमारे आदिवासी भाई किसान लेते हैं, लेकिन हम इसको अब पूरे प्रदेश के अंदर फैलाएंगे और सरकारी जहां भी कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, इसमें मोटे अनाज का भोजन परोसा जाएगा। स्कूलों में मध्याह्न भोजन है, उसमें भी सप्ताह में एक दिन हमारे बच्चों को ये पोषक अनाज खिलाएंगे, जिससे वो स्वस्थ रहें और मोटे अनाज का प्रचार प्रसार हो। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हाँ।